तो हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल बर्मन एजुकेशन पॉइंट में। तो चलिए दोस्तों, आपका स्वागत है स्पेशल 7 PM में। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं सुबह शाम 7 बजे 7 AM सुबह और 7 PM एक वीडियो डाला करूँगा, उस वीडियो को जरूर देख ले क्या करो। तो चलिए दोस्तों करते हैं आज की वीडियो शुरू। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो होने वाली है नेट आईडी को लेकर। दोस्तों मैंने ऑलरेडी इस पर एक वीडियो बना दी है नेट आईडी क्या होता है, बट अभी भी इतने ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं। मोस्टली कमेंट यही आ रहे हैं कि सर अभी तक NAID नहीं बनी है हमारी, तो नेट आईडी कैसे बनाएं, कॉलेज वाले जमा नहीं कर रहे हैं, कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, मतलब कुछ बच्चे डर रहे हैं जमा तो कर दी कि यार नेट आईडी नहीं लगाई। तो उसके बारे में कंप्लीट नॉलेज देने वाला हूं। लेकिन उससे पहले दोस्तों छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर देना। तो चलिए दोस्तों करते हैं वीडियो शुरू। दोस्तों क्या है नेट आईडी के बारे में, मैंने आपको पहले ही बताया था। जो नेट आईडी है वो क्या होता है, एक आईडी बनती है एक वेबसाइट से, जो कि चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी ने बताई थी, उसी वेबसाइट पर NAID बनती थी। अब NAID होती क्या है, देखो NAID आईडी जो होती है वो होती है नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी, ठीक है दोस्तों। तो अगर मैं इसकी बात करना चाहूँ, NAID देखो होती क्या है, ये पिछले साल आई थी NAID चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी ने। क्या हुआ था, NAID बहुत कंपनी बनाती है, तो चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी ने पिछले साल क्या किया था, एक कंपनी बता दी थी कि आप इससे इसी कंपनी से NAID बनाना, क्योंकि हम जो डाटा का लेन देन करेंगे वो इसी से करेंगे। तो NAID एक्चुअल में होती क्या थी, आपका एक अकाउंट बनता था, ठीक है, NAID पे, वहाँ पे जाने आपको अपना नाम, फोटो, सिग्नेचर वगैरह, उसमें क्या होता था, आपको अपने पर्सनली डॉक्यूमेंट वहाँ पे अपलोड कर देने होते थे। जैसे कि अभी आप कोई भी फॉर्म भरते हैं, जैसे कि लाइक एस एग्जामिनेशन फॉर्म भर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, आपको उनके साथ अपने डॉक्यूमेंट अटैच करने पड़ रहे हैं, ठीक है। ऐसे में यूनिवर्सिटी ने NAID इसलिए बनवाई थी पिछले साल कि आप अपने जो भी डॉक्यूमेंट हो वो NAID पे अपलोड कर दिया करोगे, लाइक एस 10th 12th की मार्कशीट, आधार कार्ड, जो भी वगैरह वगैरह, फिर आपको प्रॉब्लम नहीं आती थी, ठीक है। लेकिन इसका कोई यूज नहीं किया पिछले साल यूनिवर्सिटी ने किया था, ये NAID बनवाई थी सिर्फ और सिर्फ, ना वहाँ पे आपका कोई डॉक्यूमेंट अपलोड किया, ना अपना ही कोई डॉक्यूमेंट जो आपको देने होते हैं, जैसे मार्कशीट वगैरह, कुछ रिजल्ट वगैरह, ना कुछ वो दिया। लेकिन ये इसलिए भी ये फेल हो गई थी NAID, क्योंकि कोरोना आ गया था तो इसका यूज कम्प्लीटली नहीं हो पाया था NAID का। तो ये तो थी NAID डॉक्यूमेंट अपलोड करने होते थे सिर्फ इस पर, लेकिन किसी ने नहीं किया क्योंकि पिछले साल ही आई, फिर कोरोना की NAID का कोई यूज नहीं हुआ। अब क्या है NAID, क्योंकि ये जब कोई रूल आता है तो यूनिवर्सिटी ने कहा था कि ये सभी के लिए रूल है और NAID अब कंपलसरी बनानी होगी। सभी स्टूडेंट ने अपनी NAID बनाई थी, और NAID क्या था कि जो फॉर्म भरते हैं, जैसे कि आपने एग्जामिनेशन फॉर्म भरा होगा, वहाँ पे NAID का ऑप्शन आया होगा, तो जो NAID बना देते थे उसका एक मतलब आपको नंबर मिलता था, और वो नंबर एग्जाम फॉर्म में डालना होता था। NAID का एक नंबर मतलब आईडी मिलती थी, वो एग्जाम फॉर्म में डालनी होती, पिछले साल की प्रोसेस थी है। मतलब डाली थी मैंने भी, बहुत लड़कों की डाली थी एग्जाम फॉर्म में। इस बार क्या हुआ, ऑप्शन तो आ रहा है NAID का एग्जाम फॉर्म में, तो एग्जाम फॉर्म में वो मतलब खुल नहीं रहा है NAID का ऑप्शन, मतलब उस पर क्लिक नहीं हो रहा है। लेकिन क्या है, कॉलेज वालों को तो वो पिछले साल का रट्टा है, मतलब नई अपडेट पड़ी नहीं क्या आई है, मतलब कुछ कॉलेज हैं यार ऐसे, अपडेट पता नहीं है उनको क्या आ रखी है NAID, बस पिछले साल कंपलसरी कर दी थी ना NAID, बस स्टूडेंट को परेशान कर रखा है। अब NAID के बारे में मैं आपको बताना चाहूँ कि NAID इस बार ज़रूरी नहीं है, ठीक है। NAID का ऑप्शन एग्जाम फॉर्म में आ रहा है, बट वो खुल नहीं रहा है, ना ही NAID बन रही है। अब जैसे एग्जाम फॉर्म फिल हो जाता है, आप कॉलेज में जमा करने जाते हो, कुछ स्टूडेंट तो ऐसे खुद ही NAID बना रहे हैं, हालांकि खुद ही बनाते हैं, बहुत स्टूडेंट बना लेते हैं NAID, बट मैंने बहुत स्टूडेंट को बताया भी है, लेकिन कुछ स्टूडेंट जो वीडियो नहीं देखते, कुछ उन्हें पता नहीं है मतलब इस बारे में अभी, वो खुद ही बना रहे हैं NAID, और हम मेरी वीडियो पे आगे कमेंट करें कि सर मैं 6-7 दिन से NAID बना रहा हूँ पर वेबसाइट भी जा रही है। NAID की अब कोई ज़रूरत नहीं है, तो NAID की जगह आ गया है DigiLocker, सेम DigiLocker, क्योंकि NAID से अच्छा है DigiLocker। अब आपको DigiLocker पे अकाउंट बनाना है, हालांकि वो प्रोसेस जो अभी DigiLocker की अभी मतलब यूनिवर्सिटी ने सबके लिए नहीं की है, हालांकि यूनिवर्सिटी ने अपना अकाउंट DigiLocker से कनेक्ट कर लिया है। अब आपको DigiLocker पे अकाउंट बनाना है, उसके लिए प्रोसेस आएगी नेक्स्ट सेशन में, यानी 2-3 महीने बाद पेपर करके जब यूनिवर्सिटी हट जाएगी तो DigiLocker पे आपको अपना अकाउंट बनाना है, यूनिवर्सिटी बता देगी। अब उस पर क्या करना है, DigiLocker पे अकाउंट बनाने के बाद आपको जितने भी डॉक्यूमेंट है उस पर अपलोड करने हैं DigiLocker पे, और यूनिवर्सिटी भी जैसे आपको कोई इन्फॉर्मेशन देगी या जैसे डॉक्यूमेंट अपलोड करती है तो उसके माध्यम से आपके अकाउंट में अपलोड हो जाया करेगा। तो अब
एनआरडी की जगह डीजी लॉकर आ चुका है, ठीक है। ये लगभग एक तारीख के न्यूज़पेपर में ये रिपोर्ट भी आई थी, मतलब यूनिवर्सिटी ने दी थी, लेकिन कुछ ने पढ़ी है। अब कुछ कॉलेज क्या कर रहे हैं, जिन कॉलेज को पता है वो तो स्टूडेंट से ऐसे ही एग्जाम फॉर्म ले रहे हैं, ठीक है, उन्हें पता है एनएडी आईडी की जरूरत नहीं है। और कुछ स्टूडेंट मतलब कुछ मतलब कॉलेज वाले कह भी रहे हैं कि एनएडी आईडी कहाँ है। भाई एनएडी आईडी अब बंद कर दी है, एनएडी आईडी की कोई ज़रूरत नहीं है, यूनिवर्सिटी ने खुद कहा है कि अब एनएडी आईडी की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख भी सकते हो, एनएडी आईडी बंद कर दी है, उसकी जगह डीजी लॉकर आएगा, ठीक है। अब मैं बताना चाहता हूँ स्टूडेंट को क्या करना है। ऐसे स्टूडेंट जो बिल्कुल मतलब चिंता हो रही है कि एनएडी आईडी नहीं है और उन्होंने अभी तक अपने एग्जाम फॉर्म जमा भी नहीं किए, तो मैं बता दूं, अगर आपने ऐसे कॉलेज हैं जो बिना एनएडी आईडी के जमा कर रहे हैं तो आप कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एनएडी आईडी को लेकर कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होने की। और कुछ कॉलेज कह रहे हैं एनएडी आईडी कहाँ है बट फिर भी फॉर्म जमा कर रहे हैं। भाई जब एनएडी आईडी जरूरी कंपलसरी है तो आप फॉर्म क्यों जमा कर रहे हैं? तो एनएडी आईडी सिर्फ एक मतलब फॉर्मेलिटी है जिन्हें अभी तक नहीं पता चला है, बट एनएडी आईडी अब कहीं भी जमा नहीं हो रही है। कुछ अगर कोई कॉलेज वाले ज़्यादा ही प्रेशर डाल रहे हैं सेकंड ईयर वाले, तो अब उनकी पिछले साल की बनी हुई है वो कर दो जमा, बट जहाँ पे बिना एनएडी आईडी के हो रहे हैं वहाँ पे कर दो। एनएडी आईडी से कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली, क्योंकि मैंने बता दिया एनएडी आईडी का एग्जामिनेशन फॉर्म से कोई मतलब लेना देना नहीं है। तो चलिए दोस्तों, कैसी लगी आपको इन्फॉर्मेशन कमेंट करके जरूर बताना। कुछ भी एनएडी आईडी को लेकर कुछ वो हो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं वीडियो के नीचे। और हाँ, डिस्क्रिप्शन जरूरी चेक किया करो, वहाँ पे मैंने इसका स्क्रीनशॉट भी दे दिया है ये न्यूज़पेपर का, आप वहाँ से जाके इसे फुल्ली रीड कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, अभी तक के लिए इतना ही, चैनल सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।